कहते हैं इफ यू हैव अ रिग्रेट, रिग्रेट हमेशा पास्ट पे होता है, इफ यू हैव अ फियर, फियर हमेशा फ्यूचर पे होता है। दैट मीन्स कि ये दोनों चीजें आइदर पास्ट, पास्ट पे कॉग्निटिव थेरेपी कर लें, इट इज गॉन, व्हाट इज द गारंटी इट विल कम बैक, जो होना था हो गया, जो मरना था मर गया, जो छुटना था छुट गया, जो जाना था चला गया, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? ऑल यू कैन डू इज अपने आप से सवाल पूछें, इज देयर समथिंग विच आई कैन डू टुडे टू इंश्योर दैट द पास्ट इज नॉट रिपीटेड? मेरे से गलती हुई, मेरा एक दोस्त छूट गया, मैंने बड़ी कोशिश की, अब रिग्रेट है, क्या मैं अभी फोन उठा के उसे सुलह कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता तो क्या मैंने ये सबक सीख लिया, मैंने क्या गलती की और मैं तैयार हूं कि आज के बाद ये दोबारा गलती नहीं करूंगा? और क्या ये सोचने के बाद कल से मैं दोबारा दोस्त बनाने के लिए तैयार हूं? अगर आपके पास ये पूरा तरीका आ जाए तो देन यू विल, क्योंकि द ओनली रियलिटी यू हैव इज द प्रेजेंट, पास्ट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, फ्यूचर नोबडी हैज सीन, द ओनली मोमेंट यू आर लिविंग which is going to become past in a second is your true reality. So living in the present circumstances, acha meri biwi badi achhi thi, I miss her so much, is there anything which you can do to support your this feeling of missing her? Can you write her a letter? Can you send her a gift? Can you pray for her? अगर उस तरह से उसकी डेथ हो गई है, can you call her parents if they are alive? खाली सोचने से कि मुझे उससे मोहब्बत थी वो तो नहीं आएगी, लेकिन इस वक्त कुछ करने से उसकी यादें उसका एम्बेड हो सकते हैं। सो ये है प्रेजेंट में रहना। और डॉक्टर स्टीवन को भी इसको कहता है कि ये वो लोग हैं जो रियलिटी रियलिस्टिक हैं, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है रियलिस्टिक, वो सिंगल लम्हा जो आपके पास अभी गुजर गया, ये तो गुजर गया, इसके अलावा आपकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो दे लिव इन प्रेजेंट, दे डू थिंग्स विच आर देयर इन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जो मैं कभी कर सकता हूं, उन चीजों की परेशानी जिनके बारे में आप फ्यूचर के बारे में परेशान है उसका इलाज भी इस लम्हे में है। इफ आई एम वरीड अबाउट द फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल यू आर वरीड दैट योर डॉटर इज एजिंग, उसकी शादी करनी, भाई जब ये बेटी पैदा हुई थी आपको नहीं पता था इसमें 10 साल के बाद इसकी शादी हो जाएगी, 10 साल आप सिर्फ परेशान होते रहेंगे इसकी शादी होने, 10 साल में किया गया, सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता था 60 साल में आपने रिटायर होना है, आप सिर्फ परेशान होते रहे कि हाई रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा। अगर आप हर वो लम्हा जब आप परेशान होते थे हर उस लम्हे में कुछ कर देते तो जिस लम्हे का आप परेशान थे उस लम्हे की परेशानी खत्म हो जाती है। कहते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर हैंडलिंग द चैलेंजेस देन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। फियर इज अ रिस्पॉन्स विच टेल्स दैट यू आर नॉट रेडी। हाथ में बंदूक पकड़ी हो और आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और आप सफारी में से गुजर रहे हो तो शेर से कितनों को डर लगता है हाथ खड़ा करें? किसी को नहीं लगता, भाई गाड़ी इतनी मजबूत है, शीशे लगे हुए हैं जनाब, जाले लगे हुए हैं सामने, जनाब मशीन गन लगी हुई है, तो सफारी में से लोग गुजरते हैं कि नहीं गुजरते? बिकॉज यू आर रेडी।
वैसे सबको डर लगेगा व्हेन यू आर नॉट रेडी। तो जिंदगी के अंदर भी खौफ सिर्फ इस चीज की अलामत है या इन निशानदेही कर रहा है द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट और विच विल बिकम इंपॉर्टेंट वन डे दे विल बिकम अर्जेंट एज वेल। जब वो बच्ची बड़ी हो जाएगी, जब नौकरी चली जाएगी, जब रिटायरमेंट हो जाएगी, लेकिन उस वक्त उसका सोल्यूशन नहीं, उसका सोल्यूशन आज है, इस लम्हे में है। तो ये जो फलसफा है लिविंग इन द प्रेजेंट का, कि उठो यार, आई एम वरीड अबाउट द फ्यूचर, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट टुडे राइट नाउ, इस लम्हे में कुछ कर लूं। तो ये है उसका एक तरीका। फाइनल जो सिक्स थेरेपी है वो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल कह लें उसको। वो कहते हैं कि नॉट बीइंग रिलीजियस इज एज बैड एज स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे, 40 सिगरेट्स अ डे फॉर 20 इयर्स। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो रिलीजियस नहीं है, जो अपनी इंस्पिरेशन अपनी मोटिवेशन फेथ से नहीं लेते, उनकी सेहत इतनी ही रिस्क पे है, उनको इतना ही स्ट्रेस पे है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के इतने ही चांसेस हैं। जैसे कि रोज के 40 सिगरेट पिछले 20 साल से आप पीते आ रहे हैं, जो सेहत का सत्यानाश है। सो इनफैक्ट द लैक ऑफ रिलीजियोसिटी इज अबाउट एज अनहेल्दी एज 40 इयर्स ऑफ स्मोकिंग अ पैक ऑफ सिगरेट्स अ डे। सॉरी 40 इयर्स, मैंने 2040 का, ये 40-20। 40 साल तक आप 20 सिगरेट रोज पीते रहे हैं, उतना ही नुकसान आपकी हेल्थ को है अगर आप रिलीजियसली कनेक्टेड नहीं हैं नमाज से, चर्च से, या यू डोंट प्रे रेगुलरली। इसका मतलब है कि लाइफ में जीने की होप, ऑप्टिमिज्म, जो एक विलिंगनेस आती है वो फेथ से आती है। इसलिए ला तकनतु मिन रहमतुल्लाह है। आपको लगता है दुनिया में हर शख्स फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है, मार रहा है, लेकिन एक चीज जो आपको अलाइव रखती है, अल्लाह, होना वो ये जो अल्लाह चाहेगा, ये चीज आपको। तो अगर आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन ही नहीं है, सब कुछ जा सकता है। जो कनेक्शन विद अल्लाह, नोबडी कैन टेक इट अवे। यू कैन फाइंड नोबडी अराउंड टू क्राई। ठीक है, हमने सेल्फ डिस्क्लोजर की बात की है। अ टाइम कैन कम व्हेन देयर इज नोबडी, there is nobody to listen to you, what will keep you alive? Connection with Allah. jane Allah ke to hai jiske sath main ro sakta hu koi na bhi ho. So isliye religious faith jo sa hai, it has a power based on evidence of 1200 studies and 400 reviews meta analysis. The overwhelming majority of scientific studies highlight the positive health benefits of faith, including protection from illness, coping with illness, and faster recovery from it. वो लोग 14 साल जिंदा ज्यादा रहते हैं जिनका कनेक्शन अल्लाह के साथ है। So, do you think you have a choice not to say your prayers? You don't. एक एक लम्हे के लिए जब मौत आई होती है ना, डॉक्टर कह देता है जनाब 25,000 रुपये लगेगा रोज की, हम आपको ऑक्सीजन पे लगा देते हैं जिंदगी का चाह, फिर भी आप कहते हैं एक एक दिन के लिए चलो यार 25,000 ला दे यार, एक एक दिन के लिए, एक एक दिन जीने के लिए आप लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं यार, ये 2 करोड़ का ऑपरेशन करा लो, 6 महीने शायद तेरी जिंदगी बच जाए, कर दे यार, बेच के सारा कुछ कर दे। और भाई ये 14 साल हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़, एक सज्जा जिसे तू गना समझता है हजारों सज्जों से देता है नजात। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गोरे कह रहे हैं।